मुश्किल लगता है ये सोचना कि वो ऐसा कुछ स्टेप ले सकते हैं। वो इतना इतने हंसमुख थे, हर चीज़ को इतना अपने काम को इतना सीरियसली लेते थे। पर हाउ ऑलवेज हैपन, अगर कोई बीमारी थी भी तो किसकी जानकारी, किसको थी इस बात की जानकारी। ही कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ नाउ। सुशांत वॉज अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन, एक सुपर स्टार था इंडिया का। मे बी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, दैट्स वाई। बट एज अ फैन बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों हर दिन नए नए एंगल सामने आते हैं, क्यों अगर कोई एंगल सामने आते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया। फाइनेंशियल एंगल अभी जो आया, और कुछ लोग तो इवन जो लिगेचर मार्क था उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाते हैं कि उसमें भी वो सही नहीं लग रहा। सो आई मीन एवरी एंगल हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और बहुत लोग सीबीआई जांच के बारे में बोल रहे हैं। सो इट इज़ आई वुड जस्ट से कि अगर कोई फुल प्ले नहीं है तो व्हाई नॉट सम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। है तो उसे क्या हर्ज है, हो ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन दे सकता किया जा सकता तो बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज उनके इतने सारे फैंस थे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह का इंसान, इस तरह का जिंदा दिल इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। सो ही कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ नाउ। उनसे मिलने की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया था कि मुझे सुशांत को देखने जाना है, और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठा ही था। आई वाज थिंकिंग कि सुशांत कौन, एंड मैं अपने किसी पेशेंट के बारे में सोच रहा था कि शायद वो होगा। बट देन इट स्ट्रक मी कि एमएस धोनी की शूटिंग यहाँ पे चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत इज़ हियर। देन मुझे समझ आया कि ये उनकी बात हो रही है, एंड आई वेंट देयर। और जाते वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे कि इतने बड़े स्टार हैं, शायद थोड़ा टैंट्रम्स ठोक रहे हैं और बहुत अच्छे से एग्जामिन ना करने दें। बट जब मैं उनसे मिला तो मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। ही वॉज सच डाउन टू अर्थ पर्सन, इतने अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े स्टार के पास उन्हें एग्जामिन करने जा रहा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एग्जामिन करने दिया, दवाओं के बारे में पूछा, कैसे खाना है, क्या करना है, एंड एवरीथिंग। ही वॉज सच अ लवली पर्सन। सो इट वॉज अ वेरी नाइस मीटिंग हिम। ओके, सो उनको हुआ क्या था जिसके लिए आप उनके पास गए, ट्रीटमेंट किए, वो कौन, क्या हुआ था ड्यूरिंग शूट के दौरान, क्या था वो चीज जिसके वजह से आप गए थे उनको ट्रीटमेंट देने? उस समय सर्दियों का मौसम था, तो उनको थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया था, उसी वजह से मैं उनको देखने के लिए गया था। और कुछ बहुत माइनर प्रॉब्लम ही था, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। सो सम मेडिकेशंस देने के बाद ठीक हो गया, ही वाज वेल, ही रिज्यूम शूटिंग। एंड बस फॉलोअप के लिए हम लोग कुछ दो तीन बारों से और मिले थे वहाँ पे, एंड ही वाज जस्ट फाइन। जैसे कि आपने कहा अभी कि वो बहुत ही लाइवली थे, बहुत ही जॉली टाइप के इंसान थे, एंड जब आपको ये खबर पता चली तो आपको कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस नहीं हुए कि ये सुशांत सिंह राजपूत अचानक से सुसाइड कर लिया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? आपको जब ये चीजें पता चली, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन देयर? पहले तो जब तक मैंने न्यूज में नहीं देख लिया, जो भी मुझे कह रहा था, मुझे लग रहा था कि दिस इज सम काइंड ऑफ जोक। आई मीन अगर कोई भी उनसे मिला होता, आप जिन भी लोगों से बात करेंगे जो उनसे कभी मिले हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि इस तरह का आदमी ऐसा स्टेप ले सकता है। ही वाज अ जीनियस पर्सन। उनके बारे में सुनते हैं कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, एंड ही वाज एन इंजीनियर आल्सो, और इतने लर्नेड, इतने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट के पर्सन। और हम लोगों ने उनके काम के थ्रू तो उनको देखा ही है कि वो किस तरह से अपने काम को सीरियसली लेते थे, एक एक डिटेल के साथ काम करते थे। और रियल लाइफ में जो भी उनसे मिला होगा, वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये इस आदमी को इस तरह की कोई मेंटल डिसऑर्डर या कोई बीमारी हो सकती है। ही कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ नाउ। वो नहीं है तो अपने बारे में नहीं कुछ जस्टिस मांग सकते। तो उनके फैंस ये चाहते हैं कि वो उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके लिए बोलें कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनको दी जाए, सो दैट कि फैंस को भी क्लोजर मिले। अगर बीमारी थी तो बीमारी सही, अगर कोई फॉल प्ले है तो बिल्कुल वो सामने आना चाहिए। सो दिस इज इमोशन एज अ फैन। बाकी टेक्निकल बातें तो बिल्कुल अभी बताना इम्पॉसिबल हो चुका है इस केस में, क्योंकि हर दिन वी आर फ्लडेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एंगल।